Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya. Hope you all are good. I'm back with a new makeup look and मैं कुछ इस तरह से ready हुई हूँ. कैसी लग रही है मुझे comment section में जरूर बताना. मेकअप को बिल्कुल भी हाई फाई नहीं रखा है क्योंकि ड्रेस और बैंगल्स ऐसे हो गया था ना. और बिंदी भी मैंने लगाई है. इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं. सो मैंने मेकअप को बिल्कुल सटल रखा है. तो आइए शुरू करते हैं आज का मेकअप लुक विदाउट एनी फर्दर डू. सो सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं. स्किन केयर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाओ का उपटन सिरम. माय करंट फेवरेट सिरम. आई जस्ट लव उपटन के प्रोडक्ट्स, भले ही वो मामाअर्थ के हो वाओ के हो. मैंने अभी तक ये दोनों के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उपटन के. आई लव बोथ. सो ये वाटर बेस्ड सिरम है, डेफिनेटली आपकी स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम की रेड वाइन क्रेम. इसमें SPF भी है, सो सनस्क्रीन का भी काम कर देती है. बहुत ही अच्छी सी क्रेम है. ऑयली स्किन है मेरी, स्टिल ये मुझे सूट कर रही है. सो बहुत ही अच्छी है. ये मैंने सेल में ली थी. डे क्रीम और नाइट क्रीम का कॉम्बो आया था. फिलहाल ये क्रीम बहुत अच्छी है. मिनी वर्जन है आई थिंक इसका. मुझे इसका प्राइस वगैरह कुछ नहीं पता. नेक्स्ट चलते हैं हम मेकअप पे. मेकअप के लिए मैं सबसे पहले क्या जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाली वो मेरे इन लॉज की तरफ से आए हैं, जिसकी वीडियो आप इससे पहले या इसके बाद देख लेंगे. क्योंकि मैंने करवा चौथ पे जो जो मुझे मिला है मेरे इन लॉज की तरफ से गिफ्ट्स, और जो मुझे रोके भी इन लॉज की तरफ से गिफ्ट्स मिले हैं, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. इससे पहले या बाद में कोई भी वीडियो आ जाएगी तो आप देख लीजिएगा. सो मुझे मिली है ईबा की कंप्लीट मेकअप बॉक्स. सो मैं आज वही यूज़ करने वाली हूँ. सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ईबा का ही प्राइमर. पोर प्राइमर है ये, पोर फिलिंग प्राइमर है. HT है, जेल है, मैट है. सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये प्राइमर यूज़ करके. नेक्स्ट हमने यूज़ किया इसी का ही फाउंडेशन, जो है वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन. ये जो सारी किट है इसमें मेरा शेड है मीडियम. सो ये सारे प्रोडक्ट मीडियम स्किन टोन के अकॉर्डिंग है एंड फुल कवरेज है, मैट फिनिश है, स्वेट प्रूफ है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है. काफ़ी अच्छे से कवरेज मुझे इसकी मिली है. उसके बाद यूज़ किया है मैंने ईबा का ही कंसीलर. वाटरप्रूफ कंसीलर है, फ्लॉलेस फुल कवरेज है, स्वेट प्रूफ है, क्रीज रेजिस्टेंट है एंड यूज़ करके अच्छा लग रहा है. मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इसका मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा आया. सो यहाँ हमारा बेस हो गया. बेस को सेट कर लेते हैं विद ईबा का कॉम्पैक्ट पाउडर. और इसका कॉम्पैक्ट पाउडर के लुक बहुत सुंदर है. मिरर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा सा है. मैं कहूँगी कवरेज ये ज़्यादा नहीं देता है कॉम्पैक्ट, लेकिन सेट बहुत अच्छे से कर देता है. सो यहाँ हमारा फेस का बेस कंप्लीट हो जाता है. अब चलते हैं हमारे आई मेकअप पे. आई शेडो पैलेट इसके अंदर जो दी गई है उसमें सारी शिमरी शेड्स हैं और इसका नाम है आई टॉक HD आई शेडो पैलेट. एंड इसके अंदर 6 शेड्स हैं, मिरर है प्लस स्पॉन्ज वाला एप्लीकेटर है. सो मैंने फिंगर्स की हेल्प से शिमर आई शेडो लगा लिया. सारी ही शिमर शेड्स हैं. सो मैंने 2 से 3 शिमर शेड को मिक्स करके फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लिया है. क्योंकि जब मैं पहली आई शेडो लगा रही थी तो उसका उतना कलर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था वीडियो में, स्पेशली मिरर में दिख रहा था. काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ वेलवेटी फिनिश की इसकी आई शेडो पैलेट है. फिंगर से जब मैं अप्लाई कर रही थी बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रही थी एंड फिनिश भी बहुत अच्छे से आ रही थी. वीडियो में विजिबल हो दैट्स व्हाई मैंने 2-3 शेड्स को मिक्स कर लिया. आई शेडो को बहुत सिंपल रखा है. उसके बाद हमने यूज़ किया है काजल. काजल बहुत अच्छा है, जेट ब्लैक काजल. जैसा मुझे पसंद है वैसा ही इसका काजल है. अच्छे से लगा लिया. कोल काजल है ये, है ऑल डे कोल काजल. ऑब्वियसली ईबा का है, ईबा की किट है. तो देन हम चलते हैं आई लाइनर पे. ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस आई लाइनर. ईबा का आई लाइनर फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग आई लाइनर. आई लुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है. जो मैंने काजल लगाया उसे नीचे स्मोक आउट भी किया है. मैंने लोअर लैश लाइन में कोई आई शेडो नहीं लगाई है. स्टिल मेरी आई लुक कम्प्लीट लग रही है क्योंकि मैंने जो काजल लगाया है उससे स्मोक आउट कर रही है थोड़ा सा लोअर लैश लाइन की तरफ. बाद मैंने यूज़ किया है मस्कारा. इसका नाम है ब्लैक एंड बोल्ड 24R HD मस्कारा. मस्कारा मुझे ओके लगा. मतलब लैशेस पे ये विजिबल है, कवरेज बहुत अच्छी सी दे रहा है. मतलब जो लैशेस हैं वो लिफ्ट हो रही हैं, वॉल्यूम दे रहा है लैशेस को लेकिन लेंथनिंग नहीं दे रहा है. सो ये वॉल्यूमनाइज मस्कारा है, अच्छा मस्कारा है. एंड नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लश पे. ब्लश है इसमें क्रीम ब्लश है, लिप एंड चीक टिंट है. इसका नाम मस्ट हैव एवरी डे लिप एंड चीक टिंट, जिसका नाम है टाइमलेस मोका. एंड फर्स्ट एवर टिंट है ये मेरा क्रीम ब्लश. ये फर्स्ट एवर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज मैंने अगर क्रीम ब्लश यूज़ किया तो मैंने लिपस्टिक का ही यूज़ किया है. बट आई जस्ट लव दिस ब्लश. बहुत ही कलर शेड इतना प्यारा है, न्यूडिश ब्लश है ये एंड अच्छा सा इम्पैक्ट भी दिया है. ब्लेंड बहुत इजीली हो गया, कोई पैच नहीं बनाया.
बहुत ही अच्छा सा ब्लश है। हाईलाइटर भी इनका क्रीम हाईलाइटर है जिसका नाम है गेट सेट ग्लो हाईलाइटर। आई डोंट नो द शेड बट दिस इज अमेजिंग हाईलाइटर। शैम्पेन शेड में है ये, बहुत ही अच्छा सा हाईलाइटर है। विजिबल डिफरेंस दिखा है हाईलाइटर से। मुझे हाईलाइटर वही अच्छे लगते हैं जो लगाने के बाद विजिबल दिखें, ऐसा नहीं कि बस हाँ लगाया है। नहीं, मुझे हाईलाइटर वो पसंद है जिनके विजिबल डिफरेंस है। सो इनका ब्लश हाईलाइटर दोनों क्रीम है बट दोनों बहुत ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लिपस्टिक पे। लिपस्टिक इसमें मिली है हमें ईबा की मैट लिपस्टिक। ओ माय गॉड, द फॉर्मूला इज अमेजिंग अमेजिंग। क्रीमी मैट इसका फॉर्मूला है एंड शेड नेम है इसका सिनेमन चाय। बहुत ही अच्छा शेड है, मैंने यही शेड लगा रखा है। अमेजिंग अमेजिंग शेड है, न्यूडिश ब्राउन शेड है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। ईबा की अगर मेकअप किट को थम्स अप देने की बात हो, रेटिंग देने की बात हो, तो मैं इसे डेफिनेटली थम्स अप ही दूंगी। वैसे तो ये मेरा गिफ्ट है बट आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू भी हो गया। बहुत ही अच्छी सी ये आप किसी को गिफ्टिंग के लिए भी दे सकते हैं। जिस तरह से इसकी लुक है, बहुत ब्यूटीफुल सी लुक है और ऑल इन वन मेकअप किट है। आपको अलग अलग से सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। देन मैंने बिंदी अप्लाई की है। बिंदी मेरे ससुराल से ही आई थी, इन लॉज की तरफ से ही आई थी। उसमें से मैंने ये पिंक कलर की बिंदी लगाई है एंड नेल पेंट भी लगा ली है ऑब्वियसली। देन मैंने जो हेयर स्टाइल है वो ऑफ कैमरा किया है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। सो मैंने मैसी सा बन बनाया एंड साइड में दो फ्लिक्स को कर्ल कर लिया है। दैट्स इट। एज यू गाइज नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हेयर स्टाइल। जो मेरे बालों का मन होता है वही मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे हेयर्स नहीं चलते हैं। सो उसके बाद टर्न आ जाती है दुपट्टा हमारा जो था वो मैंने नेक में ले लिया है क्योंकि मैं नेकलेस नहीं कैरी करने वाली हूँ। मैं इयररिंग्स आज ही लेकर आई हूँ। सो ये इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है, मीनाकारी कुंदन के इयररिंग्स हैं एंड परफेक्टली मैच कर रहे हैं मेरे आउटफिट पे। मजेंटा एंड पाउडर ब्लू कलर के कॉम्बो में है। जिस तरह की मेरी बैंगल्स हैं, बैंगल्स मेरे ससुराल से आई हैं, बहुत अच्छे से सूट कर रही हैं। इन्हीं के साथ का सेट ऑब्वियसली उन्होंने बनवाया था। एक हाथ में मैंने वॉच कैरी की है क्योंकि दोनों हाथों में बैंगल्स आई डोंट थिंक मैं पहन पाऊंगी। सो मैंने एक हाथ में बैंगल्स कैरी की, एक हाथ में वॉच कैरी की है और यहाँ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। अब आप इंजॉय कीजिए मेरी फाइनल फिनिश लुक। मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। और आज की वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ आपसे ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।